वो मिथिलेश सिंह का इतना हिम्मत कि गरीबों के मसीहा प्रभाकर जी को टच करे। हेलो टन जी भैया, फोन लगा कॉलेज में। तुम चिंता मत करो, बहुत मान है पिछड़ा समाज में उनके लिए, जरूरत पड़ा तो मोर्चा लेके पहुंच जाएंगे सब लोग। हाँ हेलो, प्रिंसिपल है लाइन बता दा। हेलो, अरे नमस्कार नेता जी। नमस्कार तो हम करेंगे आपका। ये मास्टरी छोड़ के दादागिरी कब से करने लगे आप जी? समझे नहीं हम तो, हम आके समझा देते हैं। देखो प्रभाकर जी का बंगला अगर 24 घंटा में खाली नहीं हो गया ना तो फोटो टांग देंगे दीवार पर माला डाल के। अरे अब हमारी बात कोई सुनवाई नहीं होगा इस केस में मिथिलेश सिंह। अरे आप एक बार पधारिए तो सही। बस समझो खाली हो गया। आइए आइए विष्णुदास जी, आपका स्वागत है। ये आने जाने के बाद छोड़िए मिथिलेश सिंह, ये दादागिरी छोड़िए और हमारे आदमी का बंगला फौरन खाली कर दीजिए। सही बोल रहे हो विशंबरदास, अब तो वो तुम्हारा आदमी हो गया ना, डॉक्टर प्रभाकर आनंद। अरे बाबूराम जी आप अच्छा है अच्छा है, तुम का बंगला खाली करवाओ, वो तुम्हारी सीट खाली करवाएगा। सीट? ये क्या कह रहे हैं आप? और का, अरे तुम पिछड़ों की राजनीति पे हल चलाओ, फसल काट कर ले जाएगा वो। जितना समझते नहीं थे उससे कहीं ज्यादा बड़े बेवकूफ निकले तुम। खेल समझ में नहीं आ रहा है क्या उसका? आरक्षण के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट देके उसने तुम सब पे हाथ फेर दिया। अब देखिए कैसे बनता है वो पिछड़ों का नेता। नेता वो कैसे पिछड़ों का नेता बन गया? आपकी मंद बुद्धि की मदद से। आप करिए सपोर्ट उसका, करिए सपोर्ट। हम काहे करें सपोर्ट? तुम नहीं समझोगे, बहुत गलत आदमी है वो। धन्यवाद, समझ गया मैं। आउट ऑफ ये घर खाली करो अभी। अरे खाली कर दो, आप कहां के कलेक्टर हैं भाई? अरे सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। सड़क पे होते तुम लोग अगर प्रभाकर सर ने पना नहीं दिया होता, क्या सोचा कि वो चुप बैठे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे और तुम उन पर अत्याचार करते रहोगे? अभी क्या भी निकलो यहाँ से। सर वो पुलिस को फोन कर दिया है सर, वो दीपक जी यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो करता है करने दो, बस उसको जाने मत देना, समझे? अरे दिगंबर बाबू भाई, आप लोग लाइव कवरेज करना आजकल बंद कर दिए हैं क्या? मिथिलेश सिंह आप जिम्मेदार है सारे खुराफात के लिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम भी नहीं डरते, जाके बोल दो उनसे डॉक्टर प्रभाकर आनंद से जिसने तुम्हें भेजा है। अरे तेरी तो कमजोर समझ रखा है उनको। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, बंद करो अपनी ये दुकान और दफा हो जाए यहां से, वरना उठाकर फेंक दूंगा। गेट आउट। ये कोई तरीका है क्या? हम लोग यहाँ लीगल और शांतिपूर्ण ढंग से कोचिंग चला रहे हैं और यहाँ गुंडे भेज रहे हैं प्रभाकर आनंद। अरे गुंडा किसको बोलता है रे? देख लीजिए, खा इसको, देख लीजिए, चल देखिए, देखिए करता है, देखिए आप, देख लीजिए, चल आप लोग खुद ही देख लीजिए किस लेवल पर उतर आए हैं ये लोग। सर आप इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं? आई एम टोटली शॉक्ड। हमारे हिसाब से तो ऐसे आदमियों के लिए बस एक ही जगह होनी चाहिए, बस जेल। डॉक्टर प्रभाकर आनंद के कहने पर ही दीपक कुमार ने ये हमला किया है। पुलिस ने दीपक कुमार को हिरासत में ले लिया। मिथिलेश सिंह से भी उन्होंने हाथापाई की। इस वारदात से मिथिलेश सिंह गहरे
सदमे में है और विद्यार्थी दहशत में। आप ही प्रभाकर आनंद है? जी मैं। चलिए थाने बुलाया आपको। अरे लेकिन ये तो यहीं पे थे इनका। एक मिनट कविता, चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं तुम दोनों यहीं ठहरो। बदला ले रहे हैं डॉक्टर आनंद, पहले प्रिंसिपल फिर अपराधी, कैसा लग रहा है आपको? साइन करो अपना कुंडली। के कोचिंग गया था ना, साइन कर, अंदर लेके जा इसको। सॉरी सर। आइए प्राचार्य महोदय, देखते तो आप बहुत जेंटलमैन हैं, इसलिए हम आपको कितना आदर के साथ समझाए थे, वकील भी करके दिए थे, और आप ये चवन्नी छाप गुंडा का इस्तेमाल करने लगे। छी, ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, सर को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ज्यादा हीरोगिरी किया तो ठूस के रख देंगे। क्या लगता है आपको, कानून आग पे पट्टी बांध के बैठा है? ये तो 326 और 452 में अंदर जाएगा ही। आपको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफा 120 बी में अंदर कर दें। है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको ठाकुर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना इज्जत बेच चुके हैं, नहीं तो एसटीएम से इस तरह धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला जाता इनको। ढकोसलेबाजी में डॉक्टरेट किया है इन्होंने, बेनकाब हो चुके हैं ये। टोटल फेक टीचर। सर के बारे में एक और शब्द बोलाना तो छोड़ूंगा नहीं। कैसे कैसे विद्यार्थी तैयार किए इन्होंने? 35 साल तक गणित के नंबरों का ढोंग रचते रहे, अब रिजल्ट बाहर आ गया। सर अब थे जीरो, हैं जीरो, और अब हमेशा रहेंगे जीरो। मिथिलेश बाबू तो इनका किया क्या जाए? अरे कुछ करने का जरूरत नहीं है। के कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस देने चले थे आप? हिंदुस्तान की शिक्षा का भविष्य है वो, कोई जगह नहीं है आपके जैसे शिक्षकों की। डॉक्टर प्रभाकर आनंद, यू आर डिसमिस्ड। प्रभाकर आनंद के बारे में पूछ रही हूँ। क्या हेलो, क्या हुआ पूर्वी? काट दिया। अरे पर कहा, क्या कहा गए वो? कुछ नहीं कहा माँ। ठीक है मैं कल सुबह। क्या किया पापा को? उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया पुलिस ने। तो फिर है कहाँ वो? मेरे पहुँचने से पहले ही निकल गए। और दीपक कहाँ चले गए होंगे वो? ये क्या कर दिया मैंने, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को।